अंजू है, जिसको 3 साल पहले उसके पिता ने शादी कर हंसी खुशी घर से विदा किया था। लेकिन आज वही खुशी पिता के आंसू का कारण बन गई, जब अंजू की मौत की खबर मिली। दरअसल ये मामला फरीदाबाद का है, जहां अंजू के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता की संदिग्ध मौत को लेकर मृतका के ससुराल वालों का कहना है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबकि मायका पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के चलते उनकी बेटी की हत्या की है। लड़की के साथ जी हमें तो पता नहीं था, फोन आया लड़के के पास कृष्ण के, तो 3 बजे से कॉल आई तो इन्होंने कही लड़की ने फांसी लगा ली। तो हम मौके पर आए तो लड़की हमें सीधी कमरे में नीचे लेटी मिली, ना कोई कहाँ जाओ, बाथरूम में गए, वहाँ भी कोई ऐसा कोई ना, दरवाज़ा बहुत नीचे था, उस पर ऐसी वाक्य हो नहीं सकता था। तो लड़की इन्होंने मरी नहीं, मारी है इन्होंने, कैसे भी मारी हो, गला घोट के मारी हो या कैसे भी करी हो, यानी कि हत्या नहीं करी उस लड़की ने, इन्होंने इसका मर्डर किया है। क्या इससे पहले भी लड़ाई झगड़ा होता था उनके बीच? ना, दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, वैसे गाड़ी नहीं दी, ये नहीं दिया आपको, वो नहीं दिया, बस इस तरह की बात होती। जानकारी के मुताबिक अंजू की 3 साल पहले ऊंचा गांव में शादी हुई थी, जिसके बाद उसको एक बेटी भी हुई। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करते थे। वहीं दूसरी ओर मृतका के ससुराल पक्ष के लोग इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं। देखो, मामला कुछ भी नहीं था, हम खाना खा रहे थे, ये लड़की बर्ती थी, हमारी जो लड़के की बहू है ये बर्ती थी, मंदिर से होके आई थी, और मंदिर से होने के बाद में ये घर में आई है और इसने कहा कि मम्मी मैं गर्म दूध कर रही हूँ, तो इसकी छोटी बच्ची है 11 महीने की लगभग, तो उसको हमारे हवाले कर दिया कि पापा मम्मी आप इसे रखो, मैं ज़रा गर्म दूध कर देती हूँ लड़की के लिए। हमने कहा कर लो बेटा, हम खा रहे हैं, हम साथ में खाना भी खा रहे हैं अपने बाहर के कमरे में, और ये पीछे के कमरे में थी। तो काफ़ी देर हो गया हमें खिलाते, कह रही मम्मी दूध तो गर्म हो गया पर मैं लैट्रिन करने जा रही हूँ। हमने कहा आप लैट्रिन कर लीजिए, तो हम इसके कमरे में और लैट्रिन में तो गए ना, तो उसी पीरियड में इसने अपने आप को, लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़की के साथ दहेज की मांग करते थे, मारपिटाई की जाती है। देखो, दहेज की तो ऐसी कोई बात नहीं है, और लेकिन फंसाने के हज़ारों रास्ते हैं लड़की वालों के पास में, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें अधिकार है, उनकी लड़की गई है और हमारे को दबाने के लिए वो कुछ भी कह सकते। दिनांक 19/8/22 हमें 5 बजे सूचना मिली थी कि अंजू वाइफ ऑफ योगेश सूबेदार कॉलोनी बल्लभगढ़ में दहेज हत्या का मामला हो गया है, जो लड़की की मां की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो लड़के को गिरफ्तार कर लिया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सर, पीड़ित का आरोप है कि काफ़ी दहेज के लिए परेशान करते थे बच्ची को। हाँ, दरखास्त जो मामला दर्ज किया है, क्या जाता है? 304B 34 IPC में मुकदमा दर्ज किया है और दहेज हत्या। बहरहाल मायका पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।